एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स. ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बाई पार्ट्स लगाने वाले हैं. बाई पार्ट्स मतलब यू इंटू वी. यू को रखेंगे वी का इंटीग्रेशन माइनस हॉल डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और हॉल का डी एक्स. तो इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि यू किसको लेंगे, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन पता नहीं है तो मजबूरन हम लोग को log x को बाहर रखना होगा और x स्क्वायर को अंदर लिखना होगा, पीछे माइनस का साइन. अब log x का डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और पूरा का dx चेक करते हैं. log x एज इट इज रह जाएगा और x स्क्वायर का होगा x का पावर 3/3, इसका हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा x का पावर 3/3. इसको जब काटेंगे तो 2 हो जाएगा. ये है log x, x का पावर 3/3, इसको बाहर लिखते हैं. और ये है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और x स्क्वायर ऑफ dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो x का पावर 3/3. तो फाइनल हो जाएगा हम लोग x का पावर 3/3 log x माइनस x का पावर 3/9 प्लस c. x का पावर 3 अगर कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा log x माइनस x का पावर 3 तो हट चुका है, 1/3 सिर्फ बचेगा प्लस सी. एलसीएम ले लेते हैं, x का पावर 3/3 3 log x माइनस 1 और इसको कर देते हैं 9 प्लस सी. ये फाइनल आंसर.